उठा ले अपने हिस्से का अनाज चंदन लगा के। दया कीजिए मुनीम जी, इस बार फसल बहुत कम हुई है, अगर तीन हिस्से आप उठा ले जाएंगे तो मेरे बच्चे भूखों मर जाएंगे। आप कोई नन्ही जानों का वास्ता है मुनीम जी। लो भाइयों सुन लो, अरे वास्ता भी दिया तो इन नंगे भूखों का। अब आप ही बताइए, मैं क्या इसके साथ में अन्याय कर रहा हूँ? अरे भाई आखिर ठाकुर साहब का हक ही मांग रहा हूँ ना। शेरू देख क्या रहे हो, उठा लो सामान। नहीं मुनीम, इन्होंने कड़कती धूप में अपना जिस्म जलाकर यह अनाज पैदा किया है। इस अनाज का एक एक दाना गंगू के पसीने से नहाया है। इसे सिंचने में गंगू के खून की एक एक बूंद खुश्क हुई है। इस पर सिर्फ गंगू का अधिकार और किसी का नहीं है मुनीम। लो भाइयों सुन लो, फसल के लिए बीज उधार दे तो ठाकुर, बैल खरीदने के लिए नकद रकम उधार दे तो ठाकुर, और फसल कट जाए तो अधिकार गंगू का। मित्रवर अगर इतना ही अधिकार दिलाने का शौक है तो कर्जा खुद क्यों नहीं चुका देते? अरे जिस खाते में सिर्फ जमा ही जमा लिखा है वो कर्जा तो भगवान भी नहीं चुका सकता मुनीम। शिवा ठाकुर के काम में दखल देगा तो पछताएगा। पछताएगा वो जो गरीब के मुंह से निवाला छिनेगा। तुम लोग मुझे यहाँ इसकी धमकियाँ सुनवाने के लिए लाए हो चंदन लगा के? उठाओ शराम जा देखो, मैं कहता हूँ शिवा उठ जा। अरे शिवा अगर उठ गया तो तुम लोग जमीन पर लेटे होगे। अरे देख क्या रहो, बीच डालो खुद की तरह से। मारो मारो मारो, मारो। लगता है तुम लोग लाठी की भाषा ही समझते हो। अपना अनाज घर ले जाओ। शिवा आज तो तूने बचा लिया, लेकिन ठाकुर का जुलूम एक बेकाबू घोड़े की तरह है। घबराओ मत माँ जी, अपने पास भी लगाम जोरदार है।